डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आफ्टर टेंथ के बाद क्या करना चाहिए, ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, इसके बारे में मज़ीद जानकारी हम आप तक के पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हमें बहुत से बच्चे इस तरीके के होते हैं, क्या उन्हें अपने करियर्स के बारे में जानकारी नहीं होती, क्या हम आफ्टर टेंथ कौन सा कोर्स क्या करना चाहिए और आफ्टर ट्वेल्थ क्या करना चाहिए। तो आफ्टर टेंथ अगर से आप साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटी है, जिसके तहत आप अपना ऊंचा करियर बना सकते हैं। आफ्टर ट्वेल्थ भी आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है सीईटी एग्ज़ाम क्या होता है, टेंथ के बाद जो है नीट की तैयारी प्रिपरेशन किस तरीके से की जा सकती है, ट्वेल्थ के बाद जो है नीट के एग्ज़ाम दिए जाते हैं, उसमें आप मेडिकल लाइन में जाना है आपको तो कौन से एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप नीट का एग्ज़ाम जो है बेस्ट करियर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट एग्ज़ाम जो है आप टेंथ से जब 11 ट्वेल्थ में जब जाते हैं तो आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रिफ़र कर सकते हैं, बहुत से नोट्स हैं। और जिस तरीके से आप नीट के एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम है 720 मार्क्स का होता है और ये एमसीक्यू बेस पे होता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के इसमें क्वेश्चन रहते हैं। बायोलॉजी पे ज़्यादा वेटेज रहता है, बायोलॉजी के आपके पास 180 क्वेश्चन रहते हैं और हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहता है। ये जो है मेडिकल लाइन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको BHMS करना है, MBBS करना है तो इसके लिए आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। BUMS, BMS इस तरीके से मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको नीट एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पास होना, उसके लिए आपको जो है मेहनत और लगन से उसकी तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद अगर से इंजीनियरिंग फील्ड में, आर्किटेक्चर लाइन में या सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको JEE मेन और JEE एडवांस ऐसे 2 एग्ज़ाम जो है क्लियरिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आप जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है महाराष्ट्र में अगर से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और महाराष्ट्र की सीट पे आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में बैठकर जो है अपीयर होना चाहते हैं या महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप MSCET भी दे सकते हैं। महाराष्ट्र CET सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो होता है MSCET एग्ज़ाम एक PCM ग्रुप के लिए होता है और एक PCB ग्रुप के लिए होता है। PCM ग्रुप के लिए जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्ज़ाम जो होता है, इसमें आप जो है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और आर्किटेक्चर फील्ड के लिए और BTech टेक्नोलॉजी के लिए भी आप जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा MSCET आप एग्रीकल्चर फील्ड के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और BCom बैचलर ऑफ फार्मेसी का एग्ज़ाम भी जो है आप MSCET के थ्रू जो है अपीयर होकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर से BCom में एडमिशन लेना है तो आप 12 साइंस के पास होकर जो आपका मेन जो है परसेंटेज, उस बेस पर जो है आपका BCom पे एडमिशन होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। लेकिन आपको अगर से बैचलर ऑफ फार्मेसी का 4 ईयर का जो कोर्स है उसके लिए अगर से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है MSCET के थ्रू आपका एडमिशन होता है। और इसके अलावा इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर में भी आपको एडमिशन लेना है तो आप MSCET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ये मज़ीद जो है वक्फे में आपको मैंने जानकारी जिस तरीके से आपको पेश किया हूँ, आप इसका फ़ायदा उठाएं। और अभी MSCET के एग्ज़ाम की जो है डेट चल रही है 31
मार्च को जो है उसका लास्ट डेट है। जैसे ही आपके 12th साइंस के एग्ज़ाम अगर से ख़त्म होते हैं तो उसके बाद जो है आप फॉर्म भरिए MSCET का, उसमें आप एग्रीकल्चर का कोर्स, इंजीनियरिंग का कोर्स और फार्मेसी का कोर्स के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। इसलिए आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और इसकी मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में आप मज़र खान सर आपको उसके बारे में और डिटेल नॉलेज देंगे। मैं मज़र खान सर से गुजारिश करूँगा कि वो आए और आपको और भी मज़ीद जानकारी आफ्टर 10th और आफ्टर 12th क्या होती है उसके बारे में दें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। अभी आपके सामने बहुत सारी मालूम दी गई। सबसे पहले तो आफ्टर 10th और 12th आपको करना क्या है, आपको पहले तय करना है। अभी 10th और 12th वाले बच्चों के एग्ज़ाम शुरू है, अभी आपको तय कर लेना है कि करना क्या है आगे। फ्यूचर में आपको जो भी करना है वो तय करके आपको उसकी मालूम जमा करना है और उसके जो है तो उसकी स्टडी करना है, आपको कैसे जो है एडमिशन मिलेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। और आपके सामने एक चार्ट दिया जा रहा है, आप उसमें भी जो है देख सकते हैं कौन कौन सी आपके पास की अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर 10th और 12th। देखिए इसी तरीके से आपने देख लिया, अब आपको जो है तो NEET JEE MSCET की नॉर्मल दी गई। एक्चुअल में होता क्या है, बच्चों को एडमिशन लेना होता है, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस क्या है, उसके लिए कौन से एग्ज़ाम सेट एग्ज़ाम देना पड़ता है कि बच्चों को मालूम नहीं रहता है। इसलिए जो है तो हमको आपको बताने के लिए ये यहाँ पर आए हैं कि आपको एडमिशन अगर लेना है जो कोर्सेज होते हैं बड़े बड़े, चाहे मेडिकल में आपको जाना है तो नीट, इंजीनियरिंग में जाना है तो JEE, MSCET, उस तरीके से आपको क्लैट, अगर आपको लॉ करना है, LLB करना है, उसके लिए भी आपको सेट एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्लैट बोलते हैं। तो इसके लिए जो है तो अगर आपने अगर एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप उसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। उसी तरीके से आपको CA करना है तो CA फाउंडेशन का कोर्स होता है, BEd आपको करना है तो उसके लिए भी CET का एग्ज़ाम होता है। इसी तरीके से जो कोर्सेज है, जो बड़े बड़े डिग्री कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज में जो है तो सेट एग्ज़ाम कंपलसरी है। इसलिए आप जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं, जो आपने चूज़ किया है करियर जो आप बनाना चाहते हैं, तो आप पहले उसकी इन्फॉर्मेशन किसी जानकार से, आपके जो अच्छे जो टीचर है आपके, उनसे आप रब्ता कायम करके उनसे पूछ ले, या आपके घर में जो भी आपके भाई बहन वालिद है उनसे आप पूछेंगे इसके लिए सेट एग्ज़ाम है हमको एडमिशन कैसे मिलेगा, ये आप जानकारी पहले से ले लें। वक्त पर फिर जो है तो आप एडमिशन लेने जाते हैं आपको एडमिशन नहीं मिलता है। और खास बात, आफ्टर 10th 12th आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसा डोमेसाइल सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी होता है। डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपको बनाना ज़रूरी है कि आप पहले से ही बनवा के रख ले। जैसा अभी मार्च शुरू है, अप्रैल में जो है तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो आप पहली फुर्सत में अप्रैल में डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनवा ले। ये जो है तो आप महाराष्ट्र के रहवासी है उसका उसका प्रूफ होता है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट आपके वालिद के राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, आपकी TC, और आपके TC में बर्थ प्लेस मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप आपका बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो डोमेसाइल सर्टिफिकेट आप पहले फुर्सत में बनवा लें। साथ ही आप जो है तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनता है वो भी तैयार करके रख लें, और EWS सर्टिफिकेट, इसके बारे में पहले जानकारी दी गई थी, वो भी आप बनवा लें। EWS सर्टिफिकेट में आपको फीस में भी कंसेशन मिल सकता है, और आपको जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर सीट में भी आपको कुछ ना कुछ जो है तो बेनिफिट मिल सकता है। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि वक्त पर करने से बेहतर है वो काम हम पहले कर ले, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम अभी 15 तारीख से है, 12th शुरू है, और बिल्कुल रिजल्ट के बाद में आपको एडमिशन लेना होता है। तो आपके पास में जो वक्फा है, जो गैप है, इस वक्फे में आप ये पूरे काम कर ले तो आपके लिए भी बेहतर होगा। और करियर आप खुद चुनिए आपको क्या बनना है, और आप जो जानकारी जो है तो जो जानकार लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे आप ले सकते हैं, हमसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज के बारे में आपको यहाँ पर मालूम दी गई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको एडमिशन लेने के बाद में स्कॉलरशिप के लिए लगता है, वो भी आप अप्रैल के महीने में जो है तो बनवा ले अपना, अपने वालिद का इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि वो भी जो है तो स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी होता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप अभी से उसकी जाँच पड़ताल कर ले कि हमको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए,
और हमको क्या बनवाना है, ये आप इसे अगर आपके जहन में रहेगा तो एडमिशन आपका आसानी से हो जाएगा। इस तरह आपको यहाँ पर खास तौर से सेट एग्जाम के बारे में मालूम दी गई है कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं आप पहले पता कर ले कि उसका सेट एग्जाम है या नहीं, चाहे आप बीकॉम कर रहे बीए कर रहे मेडिकल में जाना है आपको, इंजीनियरिंग करना है, एमबीए करना है, एलएलबी करना है, पैरामेडिकल कोर्सेज करना है, तो आप जो भी कर रहे हैं आप पता कर लें पहले कि इसके लिए सेट एग्जाम है या नहीं, और है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये बहुत इजी तरीके से आपको आजकल गूगल करने के बाद में भी आप जो है तो पता कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है तो आप जो है तो पता कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आप जो आने वाला आपका फ्यूचर है, करियर है, उसमें आपको कामयाबी मिले, इस तरह आपकी मालूम दी गई। इसे देखिए और इस चैनल को जो है तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।